बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण जिले के जिला परिषद की सामान्य बैठक DDC सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा आहुति की बैठक की गई थी। बैठक नहीं होने के कारण धरना पर बैठे तन है वो विधानसभा के तर्ज पे चलाने की बात करते हैं। आ एक मामूली पंचायत और वार्ड का सदन है, उसके हिसाब से भी ये नहीं चल रहा है। इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। जिला परिषद में जिस प्रकार से पार्षदों की घोर उपेक्षा हो रही है, पार्षदों के सहमति के बिना सारे कार्यों का निष्पादन हो रहा है, चाहे वो भवन आवंटन दुकान आवंटन का मामला हो, चाहे दुकान के ऊपर छत आवंटन का मामला हो, चाहे जो विकास के मद की राशि आती है योजनाओं के आवंटन का मामला हो, किसी भी आवंटन में पार्षदों की सहमति या बैठक नहीं की जा रही है। मनमाने तरीके से योजनाएं चलाई जा रही है। यह चिंता का विषय है पूर्वी चंपारण के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी। ऐसा लोकतंत्र में कोई भी संस्था किसी का निजी संस्थान नहीं होता है, लेकिन यहाँ ऐसे लगता है ये जिला परिषद यह किसी व्यक्ति का खास संस्थान हो गया है। इसके लिए हमारे पार्षद लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक पार्षदों को अपना हक नहीं मिल जाएगा, तब तक पार्षद इस लड़ाई को आगे ले जाकर लड़ते रहेंगे। पार्षदों की मांग है कि योजनाओं का आवंटन सदन में हो, सामान्य बैठक में हो, जो भी आय व्यय का जो पूरे साल का बजट है उसकी चर्चा सदन के अंदर हो। जब सदन ही नहीं चलेगा तो वहां चर्चा क्या होगा। आप देखिए, मेरी पत्नी उपचुनाव जीत कर आई, इनका महीनों तक शपथ ग्रहण नहीं हो पाया, शपथ ग्रहण को लटकाया गया। जब महीनों बाद शपथ ग्रहण होते हैं तो पहली बैठक सितंबर में होती है और सदन में इनका परिचय भी नहीं कराया जाता है कि यह नई पार्षद है, ये अपने क्षेत्र से जीत कर आई है। ये दुर्भाग्य की बात है।